जगह जिनके मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम हुआ और 5 साल में जो देवेंद्र जी ने काम किया महाराष्ट्र में, विशेष रूप से सिंचाई के क्षेत्र में विकास के अनेक पहलू है पर विशेषतः सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया। महाराष्ट्र तेजी से आगे जा रहा है और इसलिए जो डेवलपमेंट हो रही, विकास हो रहा, उसको देखते हुए है महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के नेतृत्व में अपना समर्थन देगी और वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी कितनी सीटें इस चुनाव में जीत सकती है? देखिए, आज तक जो विक्ट्री मिली थी उससे रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री मिलेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने बलबूते पर सीटें बहुत सारी जीतेगी और शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो निर्दलीय चुन के आएंगे इनके मदद से सरकार बनाने में। अभी तो आज इसके बारे में जो कुछ बातें हैं उसमें कोई मूल्यांकन, कोई प्रतिक्रिया करना उचित नहीं है, पर भाजपा शिवसेना अलायंस है और भाजपा शिवसेना अलायंस से ही चुनाव के बाद जीतेगी और सरकार बनेगी। कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में एक मुद्दा, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति, उसे उठाने की पूरी कोशिश की, लोगों के बीच भी उन्होंने समझाने की कोशिश। आपको लगता है इस चुनाव में वो मुद्दा असर करेगा? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस डिफीटेड मेंटेलिटी में थी, आत्मविश्वास का और नेतृत्व का अभाव था और कांग्रेस को तो इस देश में स्वाधीनता के बाद 62 साल राज करने का मौका मिला, तो आज देश की परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूँ कि जो कांग्रेस 62 साल में नहीं कर सकी वो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, तो निश्चित रूप से लोगों का सहयोग हमको ही मिलेगा। महाराष्ट्र के अलावा आप हरियाणा में भी गए, हरियाणा में भी चुनाव प्रचार किया, वहाँ क्या तस्वीर रहेगी? हरियाणा में भी हमारी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से, रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से हमारे जो खक्कर जी हैं उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, मेरा विश्वास है। कई भावनात्मक मुद्दे जैसे 370 का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, ऐसे भी मुद्दे पूरे चुनाव में चर्चा में। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझ के जो असल मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने के लिए। देखिए, चुनाव होता है तो सभी मुद्दों की चर्चा होती है और कोई आरोप अगर भाषण में अगर एक मुद्दे पर आरोप करता है तो कोई जवाब देता है, तो राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा होना भी स्वाभाविक है। और दूसरा, कांग्रेस और एनसीपी ने 370 का और 35A का विरोध किया था तो स्वाभाविक रूप से उसकी चर्चा होना भी स्वाभाविक है। फिर भी चुनाव जो लड़ा गया वो मूलतः देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया उसके आधार पर लड़ा गया। आपका एक विजन था महाराष्ट्र को लेकर 2014 में सरकार बनने के बाद राज्य में, आपने कई काम किए, रोड चौपदरीकरण हो या फिर हाईवे के कई काम किए, आने वाले 5 सालों में क्या विजन आपका रहेगा? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र की सिंचाई का क्षेत्र 50% से ज़्यादा हो और जहाँ तक विदर्भ में मैं अक्सर कहता हूँ कि कम से कम 25 लाख लीटर दूध रोज मदर डेयरी के द्वारा इकट्ठा हो और किसानों के लिए खेती पूरक उद्योग धंधे शुरू हो, कुम्हार के लिए, बढ़ई के लिए, लोहार के लिए, ताकि गांव में रोजगार खड़ा हो। और मैं MSME का मंत्री हूँ और जैसे आपको पता ही है कि देश के टोटल ग्रोथ में 29% MSME का, खादी ग्राम उद्योग, विलेज इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है, वो हम लोग 50% तक ले जाएंगे। जो 49% हमारा एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ाकर 60% ले जाएंगे।